और इस बीच एक बड़ी खबर रांची से मिल रही है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के चयन के लिए सीएम आज बैठक करेंगे। नियुक्ति को लेकर सीएम ने चयन समिति की बैठक बुलाई है। लंबे समय से ये पद रिक्त हैं। नेता प्रतिपक्ष विपेश के कारण अटका है चयन। आज शाम 6:30 बजे इसके लिए बैठक करेंगे। महाधिवक्ता से इस मामले में राय ली गई है। सहयोगी विपिन इस मामले पर जुड़े हुए हैं। अब विपिन के पास रुख करते हैं। विपिन, अब फिर से एक बार सरकार रेस हुई है, हालांकि महाधिवक्ता की राय ली जा रही है, सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के चयन के लिए आज बैठक भी होने वाली है, क्या फिलहाल पूरी जानकारी से लेकर? जी देखिए, आसिया राज्य में अगर हम बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त के साथ साथ 10 सूचना आयुक्तों का जो पद है वो रिक्त पड़ा है। मई के बाद से कोई भी इस पद पर अपना योगदान नहीं दे पाया था। और जिस तरह से अगर बात करें तो फरवरी में ही वर्तमान की सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को लेकर आवेदन देने की बात कही थी, और आज इस चयन समिति की बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर चंपई सोरेन के साथ साथ जो विपक्ष की तरफ से किसी एक व्यक्ति को आमंत्रण दिया गया, हालांकि जो बाध्यताएं हैं उस हिसाब से नेता प्रतिपक्ष को इस चयन समिति में होना आवश्यक होता है, लेकिन इसके बावजूद कई बार ऐसी परिस्थितियों में कि अगर नेता प्रतिपक्ष का चयन किसी वजह से नहीं हो पाता है तो ऐसे में इन पदों को रिक्त नहीं रखा जाएगा। और इसी का उदाहरण जो है वो अभी सामने आया है कि जिस तरह से पार्लियामेंट में भी एक बार लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष जब कोई नहीं था तो उसके बावजूद नियुक्ति की गई थी, तो उसी को आधार बनाकर यहां पर भी नियुक्ति को लेकर आज चयन समिति की बैठक बुलाई गई है। शाम के 6:30 बजे यह बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होनी है। और इस बैठक में जो आवेदन राज्य सरकार को मिले थे सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त को लेकर, उसे शॉर्टलिस्ट करके चयन समिति को भेजा गया है। और चयन समिति जो है वो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और 5 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करेगी। हालांकि झारखंड की अगर बात करें तो यहां पर एक मुख्य सूचना आयुक्त के साथ 10 सूचना आयुक्तों का पद जो है वो तय है, लेकिन फिलहाल मुख्य सूचना आयुक्त के साथ 5 सूचना आयुक्तों के चयन की जानकारी प्राप्त हो रही है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष, जैसे आपने भी कहा कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है, महाधिवक्ता की राय भी ली जा रही, विपिन ऐसा नहीं लगता कि पेच कहीं फंस सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव भी कैंसिल हो रहे हैं इसी वजह से कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं किया गया है और अब सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का बात आ रहा है? जी देखिए, जहां तक अगर बात है तो जिस तरह से मैंने बताया कि तकनीकी रूप से राज्य सरकार अगर चाहे तो इस तरह की नियुक्तियां कर सकती है, और इस पर जो राय मांगी गई थी, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जो सुझाव दिया गया था कि इसके लिए सबसे पहले या तो जो बीजेपी जो मुख्य विपक्षी दल है झारखंड के विधानसभा में, तो ऐसी परिस्थिति में कि जब तक नेता प्रतिपक्ष का पेच नहीं सुलझ जाए तो ऐसे में जो मुख्य सचेतक है विरोधी दल के उनको बुला लिया जाए, या फिर अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो किसी वरिष्ठ विधायक जो विपक्ष के हैं उनको इस बैठक में बुलाया जाए। तो कुल मिलाकर और जो सुझाव आए हैं और जिस तरह के प्रावधान पूर्व में देखने को मिले हैं देश में लोकायुक्त के चयन को लेकर, पार्लियामेंट में जब लीडर अपोजिशन नहीं हुआ करता था कोई लोकसभा में, तो वैसी परिस्थिति में लोकायुक्त का चयन केंद्र की सरकार ने उस वक्त चयन समिति के आधार पर किया था, उसी ग्राउंड पे आज इस चयन समिति की बैठक बुलाई गई है। और इस चयन समिति में जो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जी बिल्कुल, प्राप्त जानकारी के अनुसार तमाम चीजों को जो कानूनी जानकारियां है, जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं, तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद ही आज इस चयन समिति की बैठक बुलाई गई है। और उम्मीद की जा रही है कि जो लंबे समय से राज्य में सूचना आयुक्त और मुख्य सचिव सूचना आयुक्त का पद रिक्त पड़ा था, मई में एकमात्र जो सूचना आयुक्त थे हिमांशु शेखर चौधरी जो कि उस वक्त प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त भी थे, उनका भी कार्यकाल समाप्त होने के बाद से लगातार सभी पद खाली थे, हजारों की संख्या में वाद जो है यहाँ पर लंबित है। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज के इस चयन समिति की बैठक के बाद कोई फलाफल सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त को लेकर निकल सकता है। चलिए, शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज बैठक करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हालांकि जो नेता प्रतिपक्ष होने की बात कही जा रही है, फिलहाल राज्य में नेता प्रतिपक्ष अभी नहीं चयन हुआ है, मामला स्पीकर कोर्ट में है, लेकिन इस बीच संसद में भी एक बार ऐसा ही किया गया था, तो तकनीकी रूप से कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो चयन समिति की बैठक बुलाई गई है किसी न किसी नतीजे पर यह समिति जरूर निकलेगी।